दोस्तों, सातवीं क्लास का हमारा एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, दसवां चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अगर आप कोई ऐसी सर्किट देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसमें एक बैटरी, पेंसिल सेल जैसा एक छोटा सा बैटरी रखा हुआ है, उसके साथ एक बल्ब होता है, तो उसको अगर आप सिंबॉलिक पोजिशन में ड्रॉ करना चाहते हैं, उसका ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से बनेगा? ये सिंबॉलिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये देखिए, ये जो सिंबल है, ये सिंबल बल्ब का है, ये जो सिंबल है वो स्विच का है। यहाँ हमने डायग्राम में स्विच नहीं दिखाई है क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आने वाला है। तो यहाँ ये स्विच है, अगर ये स्विच ना होती तो ये सीधे सीधा वायर यहाँ से यहाँ चला जाता, जो हमने यहाँ से यहाँ लिया हुआ है। और ये है हमारा बैटरी। बैटरी का हमेशा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वो स्मॉल दिखाई पड़ता है सिंबल में, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा थोड़ा पॉजिटिव से बड़ा दिखाना पड़ता है। ये देखिए, ये जो सिंबल है वो बैटरी का सिंबल है। तो ये सिंबल आपको धीरे धीरे समझने होंगे, सीखने भी होंगे, और उससे थोड़ा परिचित भी होना होगा, थोड़ा फेमिलर भी होना होगा। क्योंकि अगर सिंबल आपको नहीं आता है तो आपको सर्किट पढ़ना नहीं आएगा, सर्किट को डिकोड करना नहीं आएगा, सर्किट किस तरीके से काम कर रही है ये समझ में नहीं आएगा। तो ये एकदम बेसिक सर्किट से हमारी शुरुआत हो रही है। अच्छी तरीके से ये चैप्टर के सब एक्सपेरिमेंट देखना। ये सिर्फ फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी है, इसमें बहुत सी एक्टिविटी आएगी, वो सब एक के बाद एक आप देखते जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आपको अपने हाथों से करना है, देखना है कि भाई ये एक बैटरी है, उसके साथ हमने वायर जुड़े हुए हैं, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक हमारी डायरेक्शन दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी नंबर 10.1। नेक्स्ट एक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।